इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आजम टूर्स एंड ट्रेवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफर का आगाज हो तो सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रेवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आजम टूर्स एंड ट्रेवल्स की जानिब से मुतादित खाफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला खाफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा खाफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा खाफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज्यारात का आरामदा सफर सिर्फ और सिर्फ अल आजम टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ। सफर आपका, रहनुमाई हमारी। अल आजम टूर्स एंड ट्रेवल्स कॉन्फिडेंस मोशन में जो लाए हैं उसके सपोर्ट में हमारी पार्टी खड़ी है। सर, मणिपुर का मामला जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और सब लोगों ने कर ली। अब देश को हमको कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में चाहिए। आइंदा मणिपुर की जैसी कोई घटना न हो इसके बारे में हमें क्या करना है इस हाउस को बैठ के सोचने की जरूरत है। एक दूसरे को इल्जाम देंगे ऐसा ना हो कि हम इल्जाम उनको देते थे कसूर अपना निकल आया। इसलिए कम से कम इंसानियत के नाते सर इस हाउस के ऊपर पूरी दुनिया की नजर है। हिंदुस्तान के एक एक बच्चे की, एक एक महिला की, वो औरतें जिनकी अपनी इज्जत हिफाजत में नहीं है उनको नहीं पता किस वक्त मेरी इज्जत लूट ली जाए। और अब तो हैवानियत शुरू हो गई। एक पहला इज्जत लूटता था, अब चार चार पांच पांच मिलकर लूटते हैं। फैसला इधर से कुछ नहीं है सर। ऐसे लोगों को पूरी जिंदगी का फांसी क्यों नहीं दिया जाता, पूरी जिंदगी की। दूसरे ये है कि सर इस मुल्क को हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किल से, बड़ी कष्टाइयों से, बड़ी शहादत देने के बाद इस मुल्क को आजाद किया। सर पूरे मुल्क में इंसाफ के साथ राज कोई भी करे, लेकिन आज जो एक धर्म के नाम से सर जो नफरत फैलाई जा रही है आपस में, वो ये आग कहाँ तक जानी है, कहाँ तक इसको पहुंचाना है ये लोग सोचे। सर एक दिन आ जाएगा, अल्लाह ना करे ये मुल्क आपस में लड़ाई, भाई भाई में लड़ेंगे, भाई बहन के साथ लड़ेगा, बच्चा बीवी के साथ लड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के साथ लड़ेंगे। क्या होने वाला है, किस तरफ हम जा रहे हैं? बहुत स्पीड से जा रहे हैं, मैं उस तरफ के जिम्मेदार सब हमारे बड़े हैं, सामने हमारे बड़े लोग बैठे हैं। मैं कहूंगा कि आप पॉलिटिक्स करिए, पावर में आइए, जिसको जाना है जो जाएगा अपनी ताकत मनवा लेगा, लेकिन धर्म के नाम पर ना करें। इससे जो नफरत की माहौल बन रही है वो जड़ों में एक मिनट, जड़ों में जो नफरत पहुंच रही है उसको खत्म कैसे किया जाए? जी जी, एक डेमोक्रेसी है सर, एक डेमोक्रेसी है, इसमें सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन भड़काओ भाषण दे के, यात्राएं निकाल के और लोगों के घरों को जला के, अभी हरियाणा में जो हुआ क्या हुआ सर? इंसाफ एक तरफा होता है, इंसाफ एक तरफा नहीं होना चाहिए। यस ए डक्ट वर्क्स, HVAC डक्ट, कमर्शियल किचन हुड्स एंड डक्ट, फ्रेश एयर डक्ट, वेंटिलेशन डक्ट, ऑल टाइप्स ऑफ शीट मेटल वर्क्स अवेलेबल। कमर्शियल किचन हुड्स डक्ट्स एंड ब्लोवर क्लीनिंग सर्विसेज AMC also available. For best services, please contact on phone number 89783-37517, 89783-37517. Don't forget, SA Ductworks.